हेलो डियर व्यूअर्स, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब में से बहुत लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भैया NIOS करना सही है या फिर हम लोग सेकंड कंपार्टमेंट में अपियर हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं थोड़ा बहुत NIOS का डिटेल्स आपको दे देता हूँ, साथ साथ आपके कंपार्टमेंट एग्जाम को भी मैं डिटेल्स देता हूँ। उसके साथ साथ जो लोग पास हो चुके हैं उनका, बहुत लोगों का डिजी लॉकर पे रिजल्ट मेरे प्यारे दोस्तों मिल चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट अपना डिजी लॉकर से रिजल्ट डाउनलोड कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत लोगों का डाउनलोड नहीं हुआ। साथ साथ आप लोगों का रजिस्ट्रेशन, सेकंड कंपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द शुरू होने वाला है, नवंबर दिसंबर में या फिर जनवरी में। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपका स्कूल कोई हेल्प नहीं करेगा, आपको स्कूल फोन नहीं करेगा, और रजिस्ट्रेशन करवाओ, आपको खुद रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसके ऊपर मैंने कल वीडियो बनाया था। तो जब भी आपका रजिस्ट्रेशन जैसे शुरू होना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चाहे कोई भी यूट्यूबर आपको ये अपडेट दे देगा, और आप लोग जाकर साइबर कैफे से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि NIOS और CBSE का सेकंड कंपार्टमेंट के बारे में मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, क्या रह रहा है, क्या नहीं रह रहा है, सब कुछ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और डिजी लॉकर जिनका है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आज अच्छे से चेक करते रहे। जिनका रिजल्ट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, बहुत लोगों को रिसीव हो चुका है, आप लोग आज चेक करते रहिए। आज मंडे है, 12 बजे के बाद अपलोड हो सकता है, तो आप लोग कंटिन्यूअसली एक बार वेबसाइट पे जाकर अपना डिजी लॉकर से अपना रिजल्ट जरा चेक करिए। अगर पुराना वाला दिखा रहा है तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, घबराइए मत, वो अपडेट हो जाएगा। अभी तक उन लोगों ने अपडेट किया नहीं है, तो धीरे धीरे वो लोग अपडेट कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट को उनका रिजल्ट रिसीव हो चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे प्यारे दोस्तों के लिए। तो देखिए, मैं आप सबको सबसे पहले NIOS का फीस दिखा देता हूँ। देखिए आप लोग स्क्रीन पे क्या फीस रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। उसका फीस है पर सब्जेक्ट, आई बिलीव 480 और 90 रुपीज, आप लोग देख सकते हैं पर सब्जेक्ट, ठीक है ना, हर एक सब्जेक्ट के लिए। अब इसके बारे में थोड़ा NIOS के बारे में मैं बता दूं, तो NIOS बोर्ड डिमांड बोर्ड है, बहुत ज्यादा वैल्यू है, CBSE की तरह ही वैल्यू है। इसके ऊपर वीडियो बनाया था मेरे प्यारे दोस्तों, इस पे आप वही सर्टिफिकेट पा सकते हो जैसे CBSE से पाते हो। इस रिजल्ट को लेकर आप कॉलेज में तो क्या, स्कूल में, यूनिवर्सिटी, जहां आपको एडमिशन करवाना है आप करवा भी सकते हैं, लेकिन क्या ये इस साल के लिए, इस ईयर के लिए सही है NIOS? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसके बारे में बताता हूँ। आपके पेरेंट्स से मैंने बात किया, बहुत सारे पेरेंट्स से, तो मेरे प्यारे दोस्तों उनको मैं आप लोगों को एक ही सजेस्ट दे रहा हूँ। देखिए NIOS मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है कि आप ऑन डिमांड, जब डिमांड करेंगे आप अपना एग्जाम दे सकते हो, उसमें ऑप्शन है, आप जब चाहे अपना एग्जाम दे सकते हो। लेकिन एक चीज समझो मेरे प्यारे दोस्तों, कि वो लोग आपको एक या दो सब्जेक्ट में अपियर होने के लिए बोलेंगे ही, ये कंफर्म है, क्योंकि पर सब्जेक्ट, अगर आप एक सब्जेक्ट पे अपियर हो गए 480 रुपए देकर, तो क्या फायदा, उनको भी तो अपना फायदा देखना है। तो वो लोग चाहेंगे कि आप दो तीन सब्जेक्ट में वो लोग आपको अपियर करवाने के लिए, ताकि उनका भी फायदा हो सके, समझ गए आप लोग। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब कुछ अच्छा है NIOS, लेकिन इस साल के लिए अच्छा नहीं है। मैं आपको क्यों कह रहा हूं मैं बता देता हूं। देखिए मान लीजिए अभी आप अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं NIOS में मेरे प्यारे दोस्तों, आप करवा लिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, अब आप एग्जाम के लिए भी तो थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा। मान लीजिए वो लोग आपको बोल दिया कि तीन ठो आपको एग्जाम देना है तीन सब्जेक्ट का, तो आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम तो जरूर चाहिए। आप टाइम लीजिएगा, आप पढ़ाई करिएगा, फिर एक महीने बाद आपका एग्जाम दीजिएगा। एक महीने बाद जैसे एग्जाम दीजिएगा, आपका एक महीने बाद अब रिजल्ट आएगा, तो साल तो ऐसे ही चला गया। तो आप कब एडमिशन लीजिएगा, जनवरी में, और जनवरी में अगर आप 11 में एडमिशन लीजिएगा चाहे कॉलेज में, तो आपका तो फिर पूरा साल ही लॉस हो गया। तो बेटर है मेरे प्यारे दोस्तों, देख लीजिए, सेकंड कंपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने वाला है, और बहुत जल्द एग्जाम भी आ जा रहा है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट भी आपको मिल रहे हैं कि 30% रिडक्शन सिलेबस, 50% जो बेनिफिट उन बच्चों को मिलेगा जो लोग अगले साल एग्जाम देने जा रहे हैं अपना बोर्ड एग्जाम, वही बेनिफिट आपको भी मिलेगा। आप भी उन्हीं की तरह स्टूडेंट हो, आप भी उन्हीं की तरह जाकर एग्जाम दोगे, आपका भी उतना ही वैल्यू रहेगा जितना उनका, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को एज अ भैया मेरे प्यारे दोस्तों, एज अ भैया मैं आपको बोलूंगा कि आप सेकंड कंपार्टमेंट पे ही अपियर हुई। हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, टेंशन मत करो, लेकिन मैं आपका सिचुएशन समझता हूँ। आप चाहे खाना खा रहे हो, चाहे सो रहे हो, चाहे घूम रहे हो, चाहे गेम खेल रहे हो, आपको हर वक्त आपके माइंड में ये जरूर चल रहा है कि मेरा सेकंड कंपार्टमेंट आ गया, है ना। आप डीमोटिवेट होते जा रहे हो, हार रहे हो, नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं करना है। जिंदगी में कुछ नहीं बदला है, हाँ एक सब्जेक्ट एक साल लॉस हुआ, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अभी क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो बेटर आप रिलैक्स रहो, उतना पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, अभी टाइम है, तो थोड़ा थोड़ा करके, एक सब्जेक्ट है चाहे दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, आराम से क्लियर हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये चीज गाइड कर दिया। और चीज मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को जो समझाना चाहता हूँ कि देखिए NIOS मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग करिए, कर सकते हैं, लेकिन इस साल के लिए नहीं। इस साल आपकी मर्जी है, आप करिए, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को ये चीज समझा दिया कि ऑलरेडी लेट हो चुका है और बोर्ड एग्जाम भी बहुत करीब है। हाँ, अगर ये सिचुएशन पहले होता, अगर आप मार्च में एग्जाम देते, आपका कंपार्टमेंट आता, आप अप्रैल में क्लियर कर लेते, मई वगैरह में आप NIOS बोर्ड ज्वाइन कर लेते, तो बहुत अच्छा था, तुरंत पास हो जाते, तुरंत स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले लेते। पर इस साल तो पूरा साल ही लॉस हो चुका है, ठीक है ना, सबके साथ ऐसा हुआ है। तो बेटर है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग कंपार्टमेंट में ही अपियर हो। इससे जुड़ी जितनी भी रजिस्ट्रेशन की बातें, जो भी अपडेट्स आती रहेंगी, मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप NIOS करना भी चाहते हैं, तो आप एक बार बोर्ड में बात करिए, NIOS से कॉन्टैक्ट करिए, देखिए अगर वो लोग कुछ सिचुएशन आपको देते हैं तो, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ।